नमस्कार, बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है, एक बार फिर आपकी सरकार बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीट का दावा करने वाली बीजेपी 7 सीट पर सिमट गई। शाहीन बाग के प्रदर्शन, पाकिस्तान और सीए के मुद्दे पर आक्रामक चुनाव प्रचार करने वाली बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। केजरीवाल को आतंकवादी बोलने वाले प्रवेश वर्मा अपने चाचा आजाद सिंह को भी चुनाव में जीत नहीं दिलवा पाए। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मतदान से पहले और मतदान के बाद भी जीत का लगातार दावा करते रहे, लेकिन बाद में अंतिम परिणाम आते आते उन्होंने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में वह नाम है जो अक्सर किसी न किसी विवाद में उलझा रहता है। अन्ना जन लोकपाल बिल आंदोलन से भारतीय राजनीति की सक्रिय जमीन पर कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक समय में अपनी तीव्र राजनीतिक सक्रियता से पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ी और एक बेहतर परिणाम के साथ सामने आई। इसे 70 में कुल 28 सीटें प्राप्त हुई। लगभग डेढ़ महीने कांग्रेस के बाहरी समर्थन में सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद लगभग एक वर्ष तक दिल्ली में एलजी का शासन रहा। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो यह परिणाम और भी बेहतर हो गया। इस पार्टी को 70 में से कुल 67 सीटें प्राप्त हुई। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। राजनीति से पहले ये IRS अफसर थे। हरियाणा में जन्मे अरविंद के पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। अरविंद केजरीवाल एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन में बहुत सक्रियता से कार्य किया, किंतु कोई सीधा लाभ नहीं मिल पाने की वजह से आंदोलन का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा था। अन्ना के अनुसार राजनीति कीचड़ है, जिसमें उतरने वाले लोग गंदे हो जाते हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कीचड़ को साफ करना ही हम देशवासियों का काम है। अतः आंदोलन के साथ साथ एक स्वस्थ सक्रिय राजनीति की भी आवश्यकता होती है। अरविंद ने जन लोकपाल बिल के मुद्दे से राजनीतिक में कदम रखा। अरविंद केजरीवाल के अनुसार जब वे IRS अफसर के रूप में कार्य कर रहे थे तो उन्हें अक्सर भ्रष्टाचार जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था, इसी वजह से उन्होंने इस नौकरी को छोड़ा था। अरविंद केजरीवाल अपने करियर के आरंभिक दिनों से ही सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे। उन्होंने टाटा स्टील जमशेदपुर से इस्तीफा देकर एक तरफ सिविल सर्विस की तैयारी की, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में रहते हुए उन्होंने मदर टेरेसा के आश्रम में 2 महीने तक कार्य किया। इसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसिएशन के साथ कार्य किया। अरविंद ने गांव के लिए रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़कर विभिन्न तरह के कार्य किए। कालांतर में उन्होंने नेहरू युवा केंद्र को अपने समाज कल्याण कार्य का मंच चुना। उन्होंने आयकर विभाग में काम करते हुए परिवर्तन नामक जन आंदोलन की शुरुआत की। इस जन आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दिल्ली में होने वाले राशन कार्ड को लेकर स्कैम का पर्दाफाश किया था। अरविंद केजरीवाल अफसरी करते हुए सरकारी तंत्र में गहरे बैठे भ्रष्टाचार को अच्छे से समझ गए थे। उन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि इस तंत्र में अफसरी करते हुए भ्रष्टाचार को काबू में नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देते हुए वर्ष 2006 में आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद वे लगातार सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे और समाधान के रास्ते ढूंढते रहे। उन्होंने अन्ना के आंदोलन में हिस्सा लिया, जहां उन्हें पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। नवंबर 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी की नींव रखी। अरविंद केजरीवाल को उनके सराहनीय कार्यों की वजह से अवार्ड और सम्मान भी मिला। एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
वर्ष 2005 में आईआईटी खड़गपुर की तरफ से सत्येंद्र के दुबे अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की वजह से दिया गया। वर्ष 2006 में परिवर्तन जन आंदोलन के नेतृत्व करने की वजह से उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने इस अवार्ड की राशि एक एनजीओ को दान कर दी थी। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में कदम रखा, वे विवादों के घेरे में आते रहे। इनके ऊपर कई धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। कई नेताओं ने इन पर मानहानि के मुकदमे चलाए। वर्ष 2015 में अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग पर आरोप लगाया कि वो केंद्र सरकार के कहने के मुताबिक काम कर रहे हैं, विशेषकर अफसरों के तबादले। अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रचार के लिए टीवी एड निकाला था जिसमें वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे पंक्ति थी। अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप भी है कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकट दी है जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं। अक्सर पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी को किसी लोकतांत्रिक तरीके से बिना अपनी मर्जी से चलाते हैं और उनमें घमंड भी है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बहुमत से जीत हासिल कर दिल्ली की कुर्सी में विराजमान हो गए हैं। इस बार दिल्ली की विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी खासियत थी कि अरविंद केजरीवाल का बदला हुआ रूप, यह वह केजरीवाल नहीं थे जिनके लिए वह जाने माने जाते थे। 2013 और 2015 के बीच केजरीवाल बेहद झल्लाने वाले, भावुक और कभी भी किसी पर बरस पड़ने वाले थे। केजरीवाल इस चुनाव में संभल कर चलने वाले, सोच विचार कर फैसला लेने वाले और अनावश्यक टिप्पणियों से बचने वाले दिखे। इस चुनाव में सबसे अहम बात यही थी कि केजरीवाल ने कैसे अपने आप को बदला। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ऐसी विजय रथ पर सवार थे जिससे नीचे देखना उन्हें गवारा नहीं था। उन्हें लगने लगा था कि वे नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं और देश उनमें मोदी का विकल्प देख रहा है। यह अकारण नहीं है कि 2014 लोकसभा चुनाव के समय केजरीवाल की टीम ने गुजरात जाकर मोदी के विकास के मॉडल की हवा निकालने की कोशिश की। ये भी अकारण नहीं है कि केजरीवाल ने दिल्ली छोड़ बनारस से चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2015 में जब मोदी अपराजय लग रहे थे तब दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीतकर मोदी के गुब्बारे में सुई चुभोने का काम किया था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हर मुद्दे पर मोदी पर हमले शुरू किए। केजरीवाल की बातें लोगों को पसंद नहीं आई। उनकी यह हठधर्मिता पार्टी को बहुत भारी पड़ी। एमसीडी की हार से उन्होंने सबक सीखा और मोदी पर हमले बंद कर दिए। नतीजा सबके सामने है। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि लोकसभा में आप बुरी तरह हारी थी। एमसीडी और लोकसभा की हार के बाद केजरीवाल यह समझ गए कि हिंदू मुसलमान के सवाल पर अगर वह भाजपा से उलझे तो फिर वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जिससे निकलना नामुमकिन होगा। लिहाजा केजरीवाल अमित शाह के उकसाने के बाद भी शाहीन बाग नहीं गए, उल्टे वह हनुमान चालीसा पढ़ते पाए गए। यह 2020 के केजरीवाल थे जिन्होंने मोदी के समक्ष हार मान ली और इसलिए पूरे चुनाव में एक बार भी मोदी पर नीचे टिप्पणी नहीं की। इस चुनाव में एक और सबक है कि राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत की राजनीति की ज्यादा उम्र नहीं होती है। आपने पिछले 5 साल में दिल्ली में काम किया। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार ने बुनियादी काम किए हैं और न केवल काम किए बल्कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए काम करने वाली सरकार की इमेज भी बनाई। यह बात खास है कि सरकार के प्रदर्शन को हिंदू वोट बैंक से जोड़ने की आपकी कोशिश नहीं है। हालांकि हमें यह नहीं मालूम चाहिए कि सबसे पहले यह प्रयोग नरेंद्र मोदी ने 2014 में किया था। तब मोदी ने गुजरात में विकास का मॉडल और हिंदू वोट को एक कर दिया था। लोगों को इस नए प्रयोग ने सम्मोहित किया था। उसी राह पर अब केजरीवाल चल रहे हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।